हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं जा रही थी बोकारो और मेरे गाड़ी में पंचर हो गई है, इसलिए अभी हम सफ़र कर रहे हैं पैदल अपने चरण बस से ही। और अभी शाम का समय है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर ब्रिज में हम निकल रहे हैं, इधर देखिए और पानी है, ये दामोदर नदी का पानी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये नज़ारा। और इधर शाम का समय भी है, देख सकते हैं, है न। और शौक की बात यह है कि यहाँ पे अभी हम लोग का जो बाइक है ना, मेरा बाइक पंचर हो गया है और मेरे हबी आगे ठेलते हुए ले जा रहे हैं। आगे पंचर का दुकान है, वहाँ पे जाना होगा। जा रहे हैं आगे आगे और मैं ब्लॉगिंग करती पीछे से जा रही हूँ, है ना। आगे में नीचे में सुने कि आगे में है पंचर का दुकान, वहाँ पे पंचर को बनाया जाएगा। इधर देखिए नदी का सीन है और जो तार दिख रहा है, डोली चलता था इसमें, पहले डोली जाता था, जो वासरी है ना, फिर दूधा कोल वासरी का, इसमें डोली से कोयला ट्रांसफ़र किया जाता था बोकारो थर्मल, बोकारो स्टील बोकारो के लिए। इसी का ये डोली है, नीचे है आपका नदी। और इधर भी देखिए इसमें बहुत सुंदर दिख रहा है ये नदी का नज़ारा, है ना। तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी है आ जा रही है, रोड अभी भरा भरा है, शाम का समय में ही अभी निकल रहे हैं सभी पे। तो मैं पैदल चल रही हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, बाइक मेरा इधर अभी आगे से। दिखाती हूँ जहाँ पे गाड़ी मेरा पंचर है बनेगा उस वक्त। तो फ्रेंड्स, गैरेज मिल गया है, सामने में ही नदी पार्क है, पुल और यहाँ पे मिल गया है। देखिए गाड़ी मेरा बन रहा है, बाइक मेरी पंचर हो गई। कितना देरी लगेगा? 10 मिनट। पैर खोल के कीजिएगा ना। सीना हो गया ना ठेल ठेल के लाने में। कौन सी भूसा था उसमें? ऑपरेशन हो रहा है स्टाइल के अंदर में, क्या घुसा हुआ है, क्या है? इतना सुन काटा ने टायर को पंचर कर दिया ना, देखिए तो, देखिए कितना बड़ा है ये, पंचर कर दिया। कितना ताकत होता है एक छोटी सी चीज में, जाता है। कहता नहीं है ना कि हाँ, इतना बड़ा हाथी को चींटी ने बस कर दिया था। देखिए तो विश्वास करेगा ये काटा से टायर पंचर होगा? टूट जाएगा, मजबूत है, मजबूत है ये। कौन कोयर कटा होगा शायद ना, तो ये कटा है। देखिए ये
ऑपरेशन हो गया, अभी पूरे अच्छे तरह से सुरक्षित है। और कहीं तो नहीं था ना बाबू? मैं आधा घंटे में था कि बन गया, ना तो फिर और कितना दूर चलना पड़ता पैदल। हो गया ना? सफर की ओर के लिए तैयार हो गए। बने रहे आगे की ब्लॉग में, मिलती हूँ आगे। मैं कहाँ जा रही हूँ अभी दिखाऊंगी। चलिए, हमारे साथ में हमारे यहाँ शेर तैयार हो गया है दौड़ने के लिए। चलते थे लेकिन आज हम जा रहे हैं 45 के स्पीड में। हाँ, यहाँ पे आधे घंटा में ही पहुँच गए और मैं आई हूँ यहाँ पे सर। घर के लिए तो फिर बाय एंड टेक केयर। ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी है, तो फ्रेंड्स मैं आई थी यहाँ पे अपना ENT का चेकअप करवाने, जैसे गला नाक एंड ईयर्स। तो यहाँ मेरा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है, डॉक्टर यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोग अगर प्रॉब्लम हो गला सांस या फिर कान में या फिर नाक में, तो फिर यहाँ पे आकर के एक बार चेकअप जरूर करा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इलाज होती है है ना। तो बस बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और अच्छी लगी ब्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय एंड टेक केयर।